नमस्कार बच्चों, कक्षा दो के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण विथिका का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, दिन और महीने। बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने। ये आपने पिछली कक्षाओं में और अन्य अध्यापकों से सुना होगा और आज हम उसी का ही अभ्यास करेंगे। इस कविता को पढ़कर हम दिन और महीनों के नाम भी जानेंगे। कविता पढ़कर दिनों के नाम समझेंगे। एक हफ्ते की छुट्टी है, आओ हम सब करें विचार, क्या क्या काम करेंगे हम सब, जिससे होगा सप्ताह पार। 7 दिनों के इस समय को सप्ताह कहा जाता है, जिसमें 7 दिन होते हैं। सोमवार नानी से मिलकर मंगलवार को आएंगे, बुधवार को खाना खाने हम सब बाहर जाएंगे। यानी सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन और तीसरा बुधवार। गुरुवार को चिड़ियाघर, शुक्रवार को गुड़ियाघर, इसी तरह अब होगी सैर, न कोई झगड़ा न कोई बैर। बैर माने दुश्मनी। तो चौथा दिन कौन सा? गुरुवार। और पांचवा दिन शुक्रवार। शनिवार को जाएंगे हम मम्मी के संग बड़े बाजार, रविवार को घर पर मस्ती, ऐसे सप्ताह होगा पार। ये छठा दिन कौन सा है? शनिवार का। और सातवां दिन उन्हें रविवार का। इस प्रकार ये सप्ताह के 7 दिनों के नाम आपको बताए गए हैं। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर पेज संख्या 60 पर देखें, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किस प्रकार उनके नाम क्रम से दिखाए गए हैं। पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ पर कुछ महीनों के नाम दिए गए हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बच्चों, अभ्यास देखें। सप्ताह के दिनों के नाम को आप जैसे मैंने लिखा हुआ है इस प्रकार क्रम से लिखें और महीनों के नाम आप क्रम से लिखें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सही और गलत पर निशान लगाना है। सोमवार के बाद मंगलवार आता है, यह सही है। बुधवार और शुक्रवार के बीच शनिवार आता है, यह गलत है। गुरुवार से पहले रविवार आता है, नहीं, गलत है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, यह सही है। सितंबर के बाद नया साल शुरू होता है, यह गलत है। तो बच्चों, आप महीनों के और सप्ताह के दिनों के नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।